हेलो गाइज, यूपीएससी जो है, यूपीपीएससी जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई है। सिविल से काफ़ी बड़ी ज़्यादा वैकेंसी है, तो एक अच्छा चांस है। तो इसमें के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है, आपको सारी A to Z हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इस नोटिफिकेशन में बात करते हैं सब के बारे में वन बाई वन, और आपके सारे डाउट्स यहाँ पे ले लिए जाएंगे। तो फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है 30 दिसंबर से ही, और आप भर सकते हो इसको 27 जनवरी तक, ठीक है। और फॉर्म में ज़्यादा डिले मत करना, जिनको भरना जल्दी भर देना, लास्ट टाइम पे काफ़ी सारे इश्यूज हो जाते हैं, तो ऑनलाइन सबमिशन जल्दी ही कर देना, लेट मत हुआ करिए, काफ़ी लोग रह जाते हैं इस चक्कर में। एंड तो देखो, इसमें आपके लिए जो मेन चीज़ है वो सबसे पहले हम देखेंगे वैकेंसी का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इरीगेशन डिपार्टमेंट से असिस्टेंट इंजीनियर 171 सिविल, मैकेनिकल की भी है, एग्रीकल्चर की भी है, इलेक्ट्रिकल की भी है यहाँ पे सीटें, ठीक है। और तो यहाँ पे अपन को मत सिर्फ सिविल सिविल का देखना है, तो आप देख पा रहे होंगे पहले नंबर पे है, देन आपके फोर्थ नंबर पे माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे 4 वैकेंसी है जो है। एंड देन रूरल इंजीनियर डिपार्टमेंट में 57 है, PWD में 108 है, ठीक है। इस तरह से यदि टोटल देखो तो 692 वैकेंसीज है। सिविल सिविल का क्लासिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, तो वो देख लेना आप एक बार, ठीक है। तो वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आई है, काफ़ी टाइम बाद आई है। हालांकि यूपी की वैकेंसी है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कितने साल लगा देगी पूरे उन्होंने, लेकिन अभी रिसेंटली ये थोड़ा सुनने में आ रहा है कि आजकल बोर्ड सही काम कर रहा है और जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश में है, तो हो सकता है इस बार टाइम पे भी हम अच्छा रहे हो जाए तो। अदरवाइज देखा है यूपी की वैकेंसी को, 2014 की वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ये भी इनका सिनेरियो चल रहा है। तो आप इस पर ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोगों ने इस पर बैचेस चला दिए, तो प्लीज़ कोई भी है ये ज्वाइन वॉइन मत करना। इन वैकेंसियों का कुछ पता नहीं है कब तक कंप्लीट होगी, कुछ आइडिया नहीं होता इन चीज़ों का। तो बेटर है आप यदि बैच वगैरह भी ज्वाइन करते हो तो कोई लॉन्ग टर्म एग्जाम लाइक दैट SSC JEE वगैरह एक पूरा कंप्लीटली बैच ज्वाइन कीजिए, पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम के हिसाब से मत जाना, ठीक है गाइज। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो एग्ज़ाम फीस देख लो यहाँ पे किस तरह से दी गई है। अनरिजर्व और इकोनॉमिकल बी सेक्शन मतलब EWS 200 रुपये प्लस कुछ, ये जो फीस है तो 225, ST SC वहाँ के 105, हैंडीकैप 25, एक्स सर्विस मैन 105, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम फीस है यहाँ पे। स्पेशल रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे नगर विकास, इसमें भी कुछ पोस्ट है, 20 पोस्ट यहाँ पे भी आ जाती है, सिविल की यहाँ पे 18 है, ठीक है। वाटर डिपार्ट, अब बात आती है इसमें कि जो ग्रेड पे की, तो ग्रेड पे देख सकते हो आप यहाँ पे स्केल 5400 पे ग्रेड की है जॉब, तो काफ़ी बढ़िया है। देखो IN की जॉब है तो आपको पता है ग्रेड पे तो काफ़ी अच्छा होता है। अब बात आती है यहाँ पे कि इन्होंने जो मांगा क्या है इसके लिए, कि कौन कौन अलाउ है, तो आप देख पा रहे होंगे सब कैटेगरी, सब डिपार्टमेंट के अलग अलग यहाँ पे इन्होंने वो रखी है, लेकिन ऑल ओवर बात वही है। देखो तो दो चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है, इसेंशियल और प्रोफेशनल, दोनों का मतलब क्या है वो समझो। हाँ, असिस्टेंट इंजीनियर में इन्होंने मांगा है कि आपकी डिग्री होनी चाहिए आपसे, और फाइनल ईयर अलाउ नहीं है पहली चीज़, दूसरा डिग्री होनी चाहिए आपके पास, डिप्लोमा अलाउ नहीं है क्योंकि IN की पोस्ट के लिए डिप्लोमा कभी अलाउ होते भी नहीं है, ठीक है। तो BTech मांगा है, ठीक है। अब इन्होंने बाद में लिखा है प्रोफेशनल, तो यहाँ पे देखो, या तो या आप आर्मी में हो, या आपके पास NCC का भी सर्टिफिकेट हो, तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग के लिए अलग अलग है, कुछ में आपके पास मतलब एक्सपीरियंस वगैरह, तो उनको आपको बेनिफिट मिलेगा बाद में, इंटरव्यू भी है तो उसमें वहाँ पे, और इनमें आपके पास यदि किसी का सर्टिफिकेट वगैरह तो उनके भी मार्क्स जुड़ते हैं। इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ आप देख सकते हो, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए, तो अलग अलग की अलग अलग जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई है। तो प्रिफ्रेंशियल तो बाद की बात है ये, तो बाकी आप BTech वाले सब अलाउ है इसमें। मैं ऑल ओवर कॉन्क्लूड करूँ एक ही बात, ज़्यादा आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बाकी आप हर इसके लिए अलग अलग देख सकते हो यहाँ पे। सॉरी। एंड देखो इसके बाद में जो यहाँ पे इन्होंने ये फॉर्मेट दिए हैं, ये आप देख सकते हो। हम बात करेंगे यहाँ पे हमारी मेन चीज़ जो है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम डेट की अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी सिर्फ आपको जो फॉर्म भरना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी इसमें जो को दो पेपर होने वाले हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पे सामान्य हिंदी, सबसे पहले हिंदी का पेपर होगा जिसमें क्वेश्चन होंगे आपके 25, हर एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, टोटल अंक हो गए आपके 75 मार्क्स, ठीक है। थर्ड और 100 क्वेश्चन होंगे आपके सिविल के, हर क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो टोटल 300 हो गए, और मिला जुला के 375। टाइम जो है आपको
इसमें 2.5 घंटे दिए गए हैं तो काफ़ी टाइम है। फिर होगा आपका सेकंड पेपर जिसमें आपका जीके आएंगे 25 क्वेश्चन, वही 75 मार्क्स सेम, 100 क्वेश्चन सिविल। और याद रखना वन और टू में ऐसे कर रखा है इन्होंने कि सिविल की 6 सब्जेक्ट ये पेपर वन में दे देंगे, 6 सब्जेक्ट पेपर टू में दे देंगे, ठीक है। वही टाइम वही 2.5 घंटे, तो इस तरह से 375 375 तो ये, और 100 नंबर का आपका रहेगा इंटरव्यू जो कि आपको इन पेपरों में पास होने के बाद में लगेगा, वो तो ऑब्वियसली बात है। तो फिर आपके 850 अंक इनके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, उस पर आपका सिलेक्शन जो बेस्ड होगा। अब हिंदी का जो सिलेबस है उन्होंने ये लिख रखा है कि जो पार्ट ये मैं बताता हूँ अभी आपको, सिलेबस के बारे में देख लेते हैं यहाँ से सारा। देखो यहाँ से देखते हैं अपन, हाँ पेपर वन, पेपर वन में देखो पहले आ रही है आपकी सॉम और स्ट्रक्चर एनालिसिस, फिर है आपका ये दोनों दे दिया, ठीक है। देन आपका है स्टील आरसीसी, बिल्डिंग मटेरियल सीपीएम पर्ट, ठीक है। सॉइल आ गई आपकी, अब देन एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के बाद सर्वे है। तो ये तो हो गया आपका पूरा एक पार्ट है ना, ठीक है। अब आते हैं पेपर टू की तरफ, इधर मैकेनिकल, इधर से देखिए आप FM में आ गए, FM में तीनों आ जाएगी, ओपन चैनल और पंप टरबाइन मतलब हाइड्रोलिक मशीन। एंड देन है आपका जो यहाँ पे आता है हम इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे इरिगेशन हाइड्रोलॉजी आ गई। देन आपका ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब तीनों, हाईवे रेलवे एयरपोर्ट, ठीक है, तो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। देन आपका यहाँ पे ये इस तरह से आपका ये सिलेबस चलेगा, ये हो गया आपका ख़त्म, ठीक है। तो इस सिलेबस आप ये डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप अच्छे से देख पाओगे। और ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिकल वगैरह का सिलेबस दे रखा है। अब बात आती है ये हिंदी का और जीके का सिलेबस के लिए, तो ये हिंदी में देखो बेसिक ग्रामर आएगी आपकी, जो 12th लेवल तक की वो हिंदी पढ़ लो आप। तो इसमें लिख रहा है हाई स्कूल का स्तर होगा, और सामान्य अध्ययन में आपको पता ही है क्या आता है, भारत का इतिहास राजनीति भूगोल, तो वही जीके का है। तो मैं आपको यदि शॉर्ट में मैं दिया, वैसे इसके लिए प्लान होगा कि अलग से वीडियो बनाएंगे पूरा, बट अब जल्दी में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए पढ़ना क्या है। देखो सामान्य हिंदी, हिंदी के लिए अरियंत की भी अच्छी बुक आती है वो ले लो, या राघव प्रकाश भी आती है वो ले लो, आप कोई भी बुक हिंदी में ग्रामर के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो, सभी ठीक ठाक है, मैंने देखी हुई है। तो वहाँ से आपको हिंदी अच्छे से हो जाएगी। देन जीके के लिए, जीके के लिए देखो ज़्यादा आपको वो नहीं करनी है मेहनत, 25 क्वेश्चन होंगे। सो मनोहर पांडे नाम से एक बुक आती है, पतली सी आती है 20 रुपये की, बस वो ले लो और करंट अफेयर पे नज़र रखो, इससे अलावा कुछ नहीं जाना आपको, ज़्यादा ना आप पढ़ पाओगे और वो बेस्ट तरीका है, ठीक है। करंट अफेयर से आपको खुद को अप टू डेट रखो, और मनोहर पांडे पढ़ना स्टार्ट कर दो, दोनों लैंग्वेज मिलती है हिंदी प्लस इंग्लिश। एंड सिविल, सिविल के लिए देखो दो पेपर होने वाले हैं, अच्छा खासा बैठेज है, तो देखो IN की पोस्ट में, तो आपको यही रिकमेंड करूँगा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। सो मैं कुछ बुक नाम दे देता हूँ, सबसे पहले है गुप्तान गुप्ता, देन है RS खुरमी, देन है सिविल की गोली। ये तीन बुक तो कंपलसरी है, आपको लगानी ही है, तभी आप ये मानो कि आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो सकोगे, बिकॉज IN की वैकेंसी है तो आपको इतनी मेहनत तो करनी ही होगी, ठीक है। यदि आप एक एक्स्ट्रा और बताना चाहूँ तो आप SSC GE प्रीविशर लगा लेना, रीज़न यही है आपको मिले जुले क्वेश्चन, यदि आप गुप्तान गुप्ता और RS खुरमी लगाओगे तो उनके क्वेश्चन आ दे, तो उसमें SSC GE प्रीविशर में कॉमन ही है क्योंकि उनमें खूब आए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपका SSC का एग्ज़ाम भी आने ही वाला है तो उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगी। सो इन बुक्स को लगाइए टेक्निकल के लिए, और उधर रखिए नॉन टेक का, मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, और इन सभी बुक्स की PDF वगैरह भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा इस एग्ज़ाम के लिए। हिंदी की बुक्स हमने ऑलरेडी अपडेट कर रखा है वहाँ पे, ठीक है। एंड जो GK की भी इसकी PDF अपलोडेड है, RS खुरमी अपलोडेड है, गुप्ता एंड गुप्ता अपलोडेड है, तो ये ऐसे काफ़ी सारे, और मेड जी की IS मास्टर के नोट्स वगैरह सब कुछ अपलोडेड है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपको डेफिनेटली आई थिंक जो भी आपको क्वेरीज है वो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या नहीं तो कमेंट तो कर ही सकते हो। सो थैंक यू गाइज।